हम लोग सोच रहे हैं कि आज प्रैंक करते हैं। हमने घर वालों को तो बता दिया था कि हमने केक ले लिया है। अरे यार परी, तो मैंने तो आपको कहा था तुम लेके आओगे। यार वहाँ पे आगरा वाले पे गोलगप्पे खाने रुके, वहाँ पे रह गया। तो हम लोग ऑर्फनेज सेंटर पहुंच चुके हैं सब। कैसे हो आंटी आप? ठीक हो? ठीक हो? एंड फाइनल केक कटिंग टाइम गाइस। हैप्पी बर्थडे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। गाइज आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हो रही है थोड़ा लेट बोल लो या इवनिंग में बोल लो। हम लोग निकले हुए हैं फिलहाल मार्केट में, और क्यों निकले हुए वो इसलिए निकले हुए हैं कि कल है परी का बर्थडे। हम लोग मेनली निकले उसके बर्थडे का केक लेने के लिए, और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो करने के लिए। तो गाइज फिलहाल तो इतना रश है मेरे आगे, हम लोग इस टाइम कोर्ट रोड के पुल के ऊपर है और इतना रश है यहाँ पे। मैंने सोचा चलो जब टाइम मिल रहा है तो अपना एपिसोड स्टार्ट कर लेते हैं। So guys, अभी तो ये डिसाइड हो रहा है कि केक लेने कहाँ जाए। केक लेने नहीं, इस बार परी ने मफिन्स के लिए बोला है। मतलब इस बार हम लोगों ने केक नहीं लेना उसके लिए? नहीं, मफिन्स लेने हैं। तो फिर गिल बेकर, हाँ, गिल बेकर से उधर गया, फिर आगे हॉट ब्रेड्स है। पहले गिल बेकर चले, चलो गिल बेकर चलते हैं फिर। मफिन्स है आपके पास? मफिन्स नहीं है इन लोगों के पास? मफिन्स तो है ना, फिर केक ले लेते हैं, अब कुछ तो लेना ही है। चलो फिर केक ट्राई कर लेते हैं। हाँ, कोई बढ़िया सा। मेरे को तो भाई इन सब में से स्विस ट्रफल पसंद आ रहा है, ये सामने। वैसे तो ये भी अच्छा है, कैरेमल कैपेचिनो भी बहुत अच्छा लगा, न्यू फ्लेवर। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने फ्रूट केक लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश अभी बन के आया था। तो फिर हम लोगों ने अपना प्लान चेंज करके इसे ले लिया हम लोगों ने, और अब जा रहे हैं गाड़ी के पास और फिर चलते हैं घर। डॉलर। सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है परी को सरप्राइज देने का। अभी टाइम हो चुका है 11:45, बस हम लोग नीचे जा रहे हैं परी को सरप्राइज देने। लेकिन गाइस थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि आज प्रैंक करते हैं। हमने घर वालों को तो बता दिया था कि हमने केक ले लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा ट्विस्ट ये कर देंगे कि हम उन्हें बोलेंगे कि हमने केक तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ खाने पीने गए पलक और मैं, और केक हमारे हाथ में था और खाते हुए हमारा ध्यान नहीं गया और हम वो गलती से वही भूल आए, और तब हमारे को याद नहीं रहा। अब हमारे को अचानक से जब 11 बजे तो याद आया, और अब क्या कर सकते हैं। तो एक प्रैंक हो जाएगा और हम लोग उनके रिएक्शन चेक करेंगे। सबसे मेन तो परी का रिएक्शन चेक करना है, उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोग डिनर कर रहे थे तो वो पूरा रेडी हो रही थी कि मैं ये पहन लूँ, मैं वो पहन लूँ, और जब उसे पता चलेगा कि केक ही नहीं आया तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। पलक और मैं नीचे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम जाके कैमरा एक साइड में लगा देंगे जो किसी को नोटिस में ना आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मा पंगा हो गया। क्या हो गया पंगा? क्या केक लाया? हो आप केक नहीं लाए परी का? केक कब देख लिया? एक दिन फिर वही बात आ रही है। आप लाए नहीं? पहले तो आओ बाहर उठ के। हो अब क्या करूं मैं, वो बताऊंगा क्या करें। क्या हुआ? अरे यार परी, तो मैंने तो आपको कहा था तुम लेके आओगे। अरे यार वहाँ पे आगरा वाले पे गोलगप्पे खाने रुके, वहाँ पे रह गया। मैं ब्रेड का केक बना सकती हूँ। अच्छा है? चलो यार तुम लोग कैसे हो? अरे तो ब्रेड का ही बनता है। चल मेरे साथ स्टेशन पे केक लेके आते हैं। मैं क्यों जाऊँ हमने बर्थडे का केक लेने? इस बात भी इसे लग रहा है, इसे लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं। खा भी लिया है। वो छोटा सा ही बैग था। मुझे याद तक नहीं कि मैं चॉकलेट खा। झूठ बोलने लगते दा, झूठ बोल रहे हो दा, दो कितने प्यार जो रख देते कहा तो लाऊ तुम्हें क्या वाइट कटिए क्या कटिए ब्रांड रख दो ब्रांड काट लागे प्यार काट लागे कुछ ना कट रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। स्टेशन में चलो कह रहे हैं। अरे 12 रुपया होगा कार। जब मैं कह रहा है नहीं केक चल रही है, मुझे जल्दी बता यार मैं लेट रहा हूँ। लेट रखी क्या बात है इसमें? नहीं केक है तो नहीं है, बताओ क्या करें। चल इधर मैं देख रहा था, मैं कह रहा है नहीं केक चल रही है तो चल हैप्पी बर्थडे ऐसे ही कर लेंगे। पलक तो ऐसे होकर बैठ गए, रो मत।
खरीद लाएंगे बाद में। यार आप क्यों नहीं लेके आए, मतलब आपकी डेस्क मेरी गलती नहीं है, पकड़ा तो उन्होंने था। मैंने मना भी किया था, मत खाओ कुछ, मत गाड़े गुड़े चला दो। कैसे होगा इस बार, रात का इतिहास बदला जाएगा। अगली बार किसी का फरवरी में भी बर्थडे आता है उसका भी इतिहास बदला जाएगा। नहीं मेरा मूड खराब हो रहा, मूड खराब हो रहा, तो रिले देखोगे तो भी हैप्पी बर्थडे टू यू, करीब 12 बज गए हैं। यही नहीं अभी और सुनिए, फिर वही बात मम्मा यार, नहीं यार ले यार कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आ, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, चलो फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वही पी लो। अब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमा रहे यार, कैसे बर्थडे मनाओगे उसका तुम। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पलक की जिम्मेदारी थी, मैंने तो बहन को मना कर दिया था। अरे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ तो ले, कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं। अरे अरे कहां जा रहे, चल चल यार, प्रैंक चल रहा, प्रैंक को देखो उधर, प्रैंक कैमरा लगा हुआ। हमारे गाइस को हाय बोल दो, रोने लग गए थे लोग, तो हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई परी को सारे। थैंक यू, जाओ भाई पलक ले आओ जाके ऊपर से। थैंक यू, तो भाई फाइनली अब केक आ रहा है। कैसा लगा हमारा प्रैंक? हैप्पी बर्थडे डियर टू यू, बहुत शक्कर भगवान की। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank you. और ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। खुद तो कर। तेरी बहन का बर्थडे नहीं है? चलो गाइस, मस्त सेलिब्रेशन हो गया। The next day. So hello जी, वेलकम बैक टू द एपिसोड गाइस। गाइज आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी से ही, और फिलहाल हम जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने किट्टी में। गाइज वैसे तो मम्मी खुद ही जाती है किट्टी में, लेकिन आज इनकी वेन्यू ना थोड़ी दूर है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही छोड़ आता हूँ, मम्मी कहाँ जाएगी इतनी दूर। आज का दिन हमारा एक्टिक रहने वाला है, वो ऐसे कि रात को मैंने आपको दिखाया था कि हमने रात को परी को बर्थडे पे सरप्राइज दिया और छोटा सा एक प्रैंक भी किया था। तो आज ना गाइज एक हमारे सहारनपुर में एक और एग्जीबिशन लग रही है, तो आज पहले तो मैं जा रहा हूँ वो भी मम्मी को छोड़ने, उसके बाद गाइज हम जाएंगे एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन के बाद गाइज शाम को हम लोग फिर परी के लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, उसका बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा। तो गाइज बहुत अच्छा रहने वाला है आज का दिन भी, बहुत मजा आएगा गाइज आपको भी। हाँ जी, वापसी का कैसे करोगे? मैं कॉल करके बता दूंगी, अगर मुझे खुद आना होगा तो खुद, नहीं तो तुम लेने आ जाना। चलो ओके जी, बस अब निकलते हैं वापस, आज शहर में बहुत ज्यादा रश है, तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ पे रश कम मिले मुझे इस टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया मुझे यहाँ पहुँचने में। ये भी A few moments later. So guys, हम सब लोग अब रेडी हो चुके हैं, और ये हमारी बर्थडे गर्ल। और गाइज हम लोग जो है परी के बर्थडे के ओकेजन पे यहाँ पास में एक ऑर्फनेज पड़ता है, वहाँ पे गाइज हम लोग जा रहे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन लोगों को चॉकलेट्स बिस्किट्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने। तो हम लोग ऑर्फनेज सेंटर पहुँच चुके हैं सब, अब अंदर जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो बिस्किट्स वगैरह हम लोग लेके आए हैं। Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Mary. Happy birthday to you. कैसे हो आंटी आप? ठीक हो? ठीक हो? ठीक है भैया। हाँ जी।
जय श्री राम, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या लेके आना है दीपावली पे? फुलझड़ी। फुलझड़ी लेके आऊं? पटाखा। ठीक है, पटाखे लेके आएंगे। नमस्ते, कैसे हो आपको? और गाइस, यहाँ पे इन लोगों का रुकने का अरेंजमेंट है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है गाइस अभी तो यहाँ पे। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बाय 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 बाय। हाँ जी, दिवाली पे आऊंगा पक्का। बाय बाय। Meanwhile, so guys, अब हम लोग वहां से आ चुके हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आई गाइस मुझे तो वहां पे जाके, मतलब ये सब करके ना गाइस सोशल काम, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। बाकी परी का बर्थडे ज्यादा अच्छे से बताएगी। बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा तो अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है और मैं हर बर्थडे पे आऊंगी और शायद दिवाली पे भी जाए हम लोग। गाइस, अब परी को ड्रॉप कर रहे हैं, इसे थोड़ा काम है और हम लोग फिर उसके बाद एग्जीबिशन पे जा रहे हैं, मैं, मम्मी और पलक। और फाइनली अब हम लोग एग्जीबिशन के बाहर पहुंच चुके हैं। गाइज, इतना ज्यादा रश है ना इस टाइम शहर में, मतलब कि सही बता रहा हूँ आपको, क्लच दबा दबा के पैर दर्द हो गया बिल्कुल। 5 मिनट का रास्ता जो है ये मान के चलो आप 1.5 घंटे में कवर हो रहा है आज के टाइम में। ये देखो अब गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी कहाँ लगाऊं मैं। पसंद आया सूट? बहुत अच्छा है, मम्मी जी ने ही दिलाया मेरे को। ले भी लिया? ले लिया। लो पलक, थैंक यू, खाओ। क्या ये एक्सपीरियंस? ये पिज़्ज़ा है। One hour later. So boys, हम लोग एग्जीबिशन से तो अब निकल चुके हैं और हम लोग चले गए थे दादी को लेने, ये मेरी दादी। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर, टाइम हो चुका है 9:45, काफी लेट हो चुके हैं। और पापा और परी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। पहले तो हम लोगों को प्लान था घर जाते हैं आराम से बैठते हैं, लेकिन गाइस अब लेट बहुत ज्यादा हो गया है, बस अब घर जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे परी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। घर पहुंच चुके हैं गाइस, बस अब रेडी होकर निकलेंगे। भाई साहब, हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं भाई, सारे रेडी हो गए, पापा मम्मी पलक सब बैठे हुए हैं, जैसे तैसे अभी तो एडजस्ट कर लिया, बस फिलहाल तो हम लोग वेन्यू पे जा रहे हैं और मस्त पारे करेंगे, पारे पारे। ये रहा गाइस चटनी फ्लेक्स, यही हम लोगों ने आना है। और बस हम मम्मी और मैं जा रहे हैं केक लेने के लिए, इतना पर ही पलक ले जाके अंदर लॉन में सेटल करा दे सबको। इस बार कुछ अलग बनवाया? कैंडल्स लगवा लूंगा इसके ऊपर, यहाँ रख दो बीच में। और गाइस, बस अब गाड़ी पार्क करके चलते हैं अंदर वेन्यू पे। वाओ नाइस, कैसे हो सर? बढ़िया। मिल लिया फैमिली से? मिल लिया पापा,
सिस्टर का बर्थडे मैंने आपको बताया था ना कल परसों, पलक मम्मी दादी प्लीज हैव अ सिस्टर। And final cake cutting time guys, happy birthday! यार अभी नया नया सिस्टम है ना, थोड़ा मैनेज करने में टाइम तो लगेगी ना चीजें। मम्मी अच्छा लगा, चंगा है ना सब बढ़िया। बस अब पार्टी हो गई, बस निकलेंगे अभी यहाँ से। इनको बोलो थोड़ी फोटोज भी क्लिक करा ले, ऐसे ही तब से व्लॉगिंग इनकी चल रही है भाई। फोटोज भी क्लिक करा लो थोड़ी बहुत मेरे बर्थडे की। चेंज बस बस इतना भी चेंज नहीं करना था। A few moments later फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग डे था आज। बहुत मजा किया हम लोगों ने, खूब पार्टी करी, फुल मजा आया। और हाँ अब बस दादी से आई, बहुत दिनों बाद मिला हूँ तो बैठ के दादी के साथ थोड़ी देर बातें करेंगे अपनी मस्त एकदम। और इसी के साथ मैं अपने आज के इस एपिसोड को यही एंड करता हूँ। होप आप सभी को मेरा एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो गाइज बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। कितने गाइज